दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि स्वर्ग के राजा इंद्र हैं, परंतु अधिकतर जनमानस यह नहीं जानते कि एक बार जब इंद्र की शक्ति चली गई थी तो पृथ्वी लोक के एक वीर और प्रतापी राजा को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया गया था। परंतु स्वर्ग की गद्दी मिलने के बाद उस राजा ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से उसे अजगर योनि में जन्म लेना पड़ा। तो आइए जानते हैं कि मनुष्य रूपी वह राजा कौन था और उसने ऐसी क्या भूल की थी जिसकी वजह से उसे अजगर योनि में जन्म लेना पड़ा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो कलर्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस कथा का वर्णन धर्म ग्रंथ महाभारत के साथ साथ श्रीमद् भागवत में भी मिलता है। महाभारत ग्रंथ के वर्णानि पर्व के आजकर उप पर्व में वर्णित कथा के अनुसार बात उस समय की है जब पांडव दुर्योधन के हाथों जुए में अपना सब कुछ हार जाने के बाद 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास व्यतीत करने के लिए वन में भटक रहे थे। उसी दौरान एक दिन की बात है, भीमसेन को बड़ी जोरों की भूख लगी। उस समय कुटिया में खाने को कुछ भी नहीं था। तब भीमसेन खाने की खोज में कुटिया से बाहर निकल पड़े। भूख से व्याकुल भीमसेन पैर पटकते हुए बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ने लगे। यह देख गुफाओं में रहने वाले सर्प इधर उधर बड़े वेग से भागने लगे, जिसे देख भीमसेन को क्रोध आ गया और वे उन्हीं का पीछा करने लगे। परंतु अभी वो थोड़ी ही दूर आगे बढ़े थे कि उन्हें एक विशालकाय अजगर दिखा जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भीमसेन ने देखा कि वह अजगर अपने शरीर से एक विशाल पर्वत को ढाके रखा है। उसका प्रत्येक अंग विचित्र चिन्हों से चिन्हित होने के कारण विचित्र दिख रहा था। उसका रंग हल्दी के समान पीला था। प्रकाशमान चारों दाड़ों से युक्त उसका मुख गुफा सा जान पड़ता था। आंखें उसकी ऐसी लग रही थी मानो वह अग्नि उगल रही हो। फिर कुछ देर बाद भीमसेन ने सोचा, भले ही ये अजगर कितना भी विशाल क्यों ना हो, लेकिन मुझसा बलवान नहीं हो सकता। और यही सोचकर वे अजगर के पास चले गए। परंतु जैसे ही वह अजगर के पास पहुँचे, उस अजगर ने भीमसेन के दोनों बाहों को बलपूर्वक जकड़ लिया। उसके बाद कुछ देर के लिए भीम अचेत हो गए। वैसे भीमसेन में 10,000 गजराज जितना बल था, फिर भी अजगर को मिले हुए वरदान के प्रभाव से मोहित हो जाने के कारण वे अपना साहस खो बैठे। फिर जब कुछ देर बाद उनकी चेतना वापस लौटी तो वे धीरे धीरे उस अजगर की पकड़ से बाहर आने की चेष्टा करने लगे, परंतु सफल न हो सके। यह देख भीमसेन मन ही मन उस अजगर की अत्यंत अद्भुत शक्ति के बारे में विचार करने लग गए और फिर उन्होंने उस अजगर से पूछा कि हे सर्पराज, आप कौन हैं और मुझे पकड़कर क्या करेंगे? मैं पांडु पुत्र भीमसेन हूँ। मुझ में 10,000 हाथियों का बल है, फिर भी न जाने कैसे आपने मुझे अपने वश में कर लिया, क्योंकि मेरे सामने सैकड़ों सिंह, व्याघ्र और गजराज के अलावा कई राक्षस, पिशाच और महाबली नाग भी आए, परंतु मुझे कोई भी वश में नहीं कर पाया। परंतु मेरे लाख कोशिश करने के बाद भी आपने मुझे वश में कर रखा है, इसका क्या कारण है? क्या आप में किसी विद्या का बल है अथवा आपको कोई अद्भुत वरदान मिला है? यह सुन उस अजगर ने अपने विशाल शरीर से जकड़कर भीमसेन को चारों ओर से लपेटते हुए कहा, हे महाबाहु, मैं दीर्घकाल से भूखा बैठा था, आज सौभाग्यवश देवताओं ने तुम्हें ही मेरे भोजन के रूप में भेज दिया है। सभी देहधारियों को अपने अपने प्राण प्रिय होते हैं, परंतु तुम्हें अपना ग्रास बनाने से पहले जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। मैं राजर्षि नहुष हूँ, तुमने मेरा नाम अवश्य ही सुना होगा। मैं तुम्हारे पूर्वजों का भी पूर्वज हूँ। महाराज आयु का वंश प्रवर्तक पुत्र हूँ, परंतु अपनी एक भूल के कारण आज मैं अजगर बनकर कष्ट भोग रहा हूँ। यह सुन भीमसेन ने फिर उस अजगर से पूछा कि हे भुजंग, आपने ऐसी कौन सी भूल की थी जिसकी वजह से आपको अजगर योनि में जन्म लेना पड़ा? भीमसेन के मुख से ऐसी बातें सुनकर वह अजगर द्रवित हो उठा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उसने भीम से कहा, हे पांडुपुत्र भीमसेन, मैंने जो कर्म किया था उसके लिए मुझे ये सजा तो मिलनी ही थी। अब मैं तुम्हें वो घटना बताने जा रहा हूँ जिसकी वजह से मैं अजगर बन गया। बात उस समय की है जब एक बार महर्षि दुर्वासा किसी काम से देवराज इंद्र के दरबार में पहुँचे, परंतु देवराज इंद्र ने उनका यथोचित सत्कार नहीं किया। यह देख ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो उठे और उन्होंने देवराज को बलहीन होने का श्राप दे दिया। उधर जब यह बात दैत्यों को पता चली तो उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण कर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। यह देख इंद्र कहीं जाकर छिप गए। इस पर दैत्यों का साहस और बढ़ गया और रोज स्वर्ग पर अलग अलग तरह से हमले होने लगे। तब स्वर्ग के अन्य सभी देवताओं ने सप्त ऋषियों की सलाह से राजा नहुष अर्थात मुझको स्वर्ग का राजा बना दिया। उस समय धरती पर मैं ही सबसे वीर और प्रतापी राजा हुआ करता था। फिर कुछ दिन मैंने दैत्यों
दैत्यों से युद्ध किया जिसमें उनकी हार हुई। उसके बाद दैत्य शांत बैठ गए और स्वर्ग में शांति हो गई। लेकिन स्वर्ग का राजपद और इंद्र का आसन मिलने के कुछ ही दिनों में मुझ पर सत्ता और शक्ति का नशा छा गया। मैं मनमानियों पर उतर आया और इसी मनमानी में मैंने एक दिन देवराज इंद्र की पत्नी शची को अपने सामने पेश होने का फरमान सुना दिया। उस समय मुझे यह लग रहा था कि जब इंद्र का आसन और उसकी शक्तियाँ मेरे पास है तो इंद्र की पत्नी शची मुझे अपना पति स्वीकार कर ले, परंतु शची ने मना कर दिया। उसके बाद मैं उसे तरह तरह से परेशान करने लगा। तब एक दिन मुझसे परेशान होकर शची देवगुरु बृहस्पति के पास गई और उन्हें सारी बातें बताई। उधर मेरी मनमानियों से सभी ऋषि भी परेशान थे, इसीलिए देवगुरु ने शची को एक युक्ति सुझाई। उन्होंने शची से कहा कि वह मेरा प्रस्ताव मान ले और मुझसे कहे कि यदि वो सप्त ऋषियों को कहार बनाकर खुद उनकी डोली में बैठकर आए तो वह मुझे अपना पति स्वीकार कर ले। शची ने यह सुझाव मान लिया। उसने मुझ तक अपनी इस शर्त का संदेश भिजवा दिया। इधर शची का संदेश पाकर मैं खुश हो गया और मैंने सप्त ऋषियों को डोली उठाने का आदेश दिया। मजबूरी में ऋषियों को मेरी बात माननी पड़ी, लेकिन वृद्ध होने के कारण वे तेज नहीं चल पा रहे थे, तो मैंने डोली उठाकर आगे चल रहे अगस्त ऋषि को लात मारते हुए तेज चलने को कहा। इस पर ऋषियों के सब्र का बांध टूट गया। फिर उन्होंने मुझे डोली से गिराते हुए तुरंत अजगर बन जाने का श्राप दे दिया। उसके बाद धरती पर गिरा मैं अजगर बन गया और अपने किए पछताने लगा। फिर जब मैं इंद्र के सिंहासन से भ्रष्ट हो शीघ्रता पूर्वक श्रेष्ठ विमान से नीचे गिरने लगा, उस समय मैंने मुनि श्रेष्ठ भगवान अगस्त्य से प्रार्थना की कि प्रभु मेरे श्राप का अंत नियत कर दीजिए। उस समय उन तेजस्वी महर्षि ने दया से द्रवित होकर मुझसे कहा, राजन कुछ काल के पश्चात तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। इसके अलावा महर्षि ने मुझसे कहा था कि जो तुम्हारे पूछे हुए प्रश्नों का विभाग पूर्वक उत्तर दे दे वही तुम्हें श्राप से छुड़ा सकता है। राजन जिसे तुम पकड़ लोगे वह बलवान से बलवान प्राणी क्यों न हो, उसका भी धैर्य छूट जाएगा। इस प्रकार मैं अत्यंत दुष्कर्मी होने के कारण इस अपवित्र नरक में निवास करता हूँ। यह सुन महाबाहु भीम ने उस अजगर से कहा, हे महासर्प, न तो मैं आप पर क्रोध करता हूँ न अपनी ही निंदा करता हूँ, और जहाँ तक आपके प्रश्नों के उत्तर देने की बात है तो वह मेरे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर ही दे सकते हैं, और तभी आपको इस योनि से मुक्ति मिल सकती है। यह सुन उस अजगर ने भीमसेन को छोड़ने का निश्चय किया और फिर युधिष्ठिर उस अजगर के पास आए और उनके प्रश्नों का सही सही उत्तर दिया। लेकिन दोस्तों, अजगर रूपी राजा नहुष ने युधिष्ठिर से कौन कौन से प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर ने उन प्रश्नों के क्या उत्तर दिए, ये हम आपको बताएंगे अन्य वीडियो में। और इसी के साथ हमारी आज की जानकारी भी यहीं पर समाप्त होती है। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वीडियो कलश यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। हमारे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।